ऑस्ट्रेलिया हैज वन अ लो स्कोरिंग थ्रिलर, अब ये सीरीज वो हार नहीं सकते। वेल #आकाशवाणी ये वैसे मेरे हाथ में क्या है, वेल दिस इज हाउ इंडिया इज फीलिंग राइट नाउ एंड दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलिया आर फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि ये मुकाबला कुछ उस अंदाज में हुआ। छोटा जो रन स्कोरिंग जो मुकाबले रहते हैं जिसमें 126 रन आपने सिर्फ बनाए, तो ऐसा लगता है कि ये मुकाबला अंत तक जाएगा नहीं, ये थ्रिलर बनेगा नहीं, लेकिन ये थ्रिलर बना। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, गेंदबाजी का किया फैसला, इंडिया ने एक डेब्यूटेंट को खिलाया, मयंक मार्कंडे को खिलाने का किया फैसला, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज नो विजय शंकर। मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज था कि विजय शंकर को आप मैच क्यों नहीं खिलाएंगे, अगर हार्दिक नहीं है तो विजय को खिलाना ऑलमोस्ट सर्टन है क्योंकि छठा बोलिंग विकल्प मिलता है ना। पर इंडिया ने कहा नहीं बॉस, हम तो सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ ही उतरेंगे, जो हमने न्यूजीलैंड में किया हम वो काम यहां पर भी करेंगे। देयर वाज अनदर बिग चेंज जो विश्व कप को जहन में रख के लिया गया, वो था के राहुल को खिलाना शिखर धवन की जगह। और उसमें भी एक सवाल था कि अगर आप रीसेंट फॉर्म को देखें तो अगर रोहित और शिखर में से किसी को रेस्ट कराना हो तो आप उसको कराएं जिसके पास फॉर्म नहीं हो, तो शिखर का फॉर्म तो पीछे पैची रहा है, तो उनको क्यों नहीं रेस्ट क्यों नहीं खिलाया, और अगर रेस्ट कराना था तो रोहित को क्यों नहीं करवाया। दैट्स अनदर क्वेश्चन दैट द टीम विल हैव टू आंसर। लेकिन राहुल ने की ओपनिंग और क्या कमाल ओपनिंग की, बड़े दिनों के बाद दिल खुश हो गया। क्या कहा मैंने, कमाल लाजवाब राहुल। और कितना खुश हुआ मैं, इतना भी खुश हुआ और मैं इतना भी खुश हुआ, मुझे बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देखकर, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो बैटिंग को बड़ा आसान बना देते हैं, कवर्स के ऊपर से शॉट लगाते हैं। वो बताते हैं कि क्यों इस टीम में इतना विश्वास दिखाती है इस खिलाड़ी के अंदर। फिर आउट हुए विराट कोहली, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुई गेंद, और फिर लगातार 2-3 विकेट भारत ने गवा दिए, पहले विराट कोहली फिर ऋषभ पंत और उसके बाद केएल राहुल, और उनके उसी ओवर में आउट हो गए दिनेश कार्तिक, और एकदम से जो कमर थी वो टूट गई, और फिर एक बार ऐसा महसूस हुआ बिल्कुल इंजर्ड, थोड़ा सा पुश्ड बैक अगेंस्ट द वॉल। वहां पर भी एक जहन में बात रही कि आप 170-180 सोच रहे थे, वो क्या रीअसेस करना चाहिए था कि चलो 140-150 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि कृणाल पांड्या ने जो शॉट लगाया दैट आल्सो लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड, नेथन कूल्टर-नाइल ने विकेट चटकाया, और धोनी ने बहुत देर तक बैटिंग तो जरूर की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के अंदर पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने 30 गेंदें खेली और पहली 30 गेंदों में एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, ऐसा उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। बट देन पिच चैलेंजिंग थी, थोड़ा सा वो शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे जो उतने अच्छी तरह से लग नहीं रहे थे। 126/7 मुझे लगा कि वन साइड मुकाबला होगा, ऑस्ट्रेलिया 126 तक तो पहुंच ही जाएगा। बट देन फर्स्ट ओवर बुमराह ने अच्छा डाला, आपने एक नई बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरे, आपने डार्सी शॉट के साथ मार्कस स्टॉइनिस को खिलाया, चहल को लगाया गया रन आउट, मार्कस स्टॉइनिस आउट। उसके बाद एरन फिंच बैटिंग करने आए, एरन फिंच को जब उन्होंने बुमराह को देखा तो उनको ऐसा महसूस हुआ, थोड़ा सा ऐसा भी महसूस हुआ क्योंकि वो 3 स्टंप्स के बीच में गेंद डाली, एरन फिंच आउट, तो फिर भारत ने थोड़ी सी पकड़ बनानी शुरू की। लेकिन देन ग्लेन मैक्सवेल, और ये बात हमने की थी कि अब उन पर कोई दबाव नहीं, वो आईपीएल के लिए ऑडिशन नहीं दे रहे, इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, अच्छा बीबीएल खेल के आए हैं, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, वेरी मैच्योर ग्लेन मैक्सवेल, और ऐसा लगा कि आसानी से मैच जीत जाएंगे। 40-45 गेंदे, फिर आउट हुए ग्लेन मैक्सवेल, और फिर आया खेल में टर्न, टर्नर आउट हो गए उस गेंद पे जो गेंद टर्न नहीं हुई, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर हैंस्कम भी आउट हो गए, बुमराह ने आके कमाल कर दिया, आखिरी ओवर में रह गए जी 14 रन। अब ये 14 रन विशाखापट्टनम में जब आखिरी इंटरनेशनल मैच हुआ था तब भी 14 ही रहते थे, बॉलर कौन था, उमेश यादव, तब कितने बजे थे, तब बने थे 13, और इस मुकाबले में बन गए 14। अब क्या हम उमेश यादव को दोष देंगे, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि 6 महीने में पहली बार अगर आप उनको वाइट बॉल क्रिकेट का मैच खिलाते हैं, सिर्फ एक टेस्ट मैच वो बीच में खेलते हैं, तो फिर उन पर दबाव कुछ ज्यादा ही था, तो मुझे उनके प्रति सहानुभूति है कि उनको आप मैच ज्यादा नहीं खिलाते। मयंक मार्कंडे बिल्कुल डेब्यूटेंट थे, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप। कुल मिला के गेंदबाजों ने मैच को मैच के रूप में तब्दील तो किया, लेकिन यहां बल्लेबाजों की थी कमी। ऑस्ट्रेलिया इज गॉन 1-0 अप, अब श्रृंखला तो ये हार नहीं सकते।